अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद आयशा अली। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में अल्फ्रेडो पास्ता अगेन। और जो है वो जिसने रेसिपी पहले नहीं देखी वो अब देख लें। अच्छा, इसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड किस्म का पास्ता चाहिए होता है जिसको हम फेटुचिनी पास्ता कहते हैं, और यही डलता है इसके अंदर ना। अच्छा, और चिकन को आपने ना इस तरह से बड़े बड़े जो उसके फिलेज हैं ना वो बनवा लेने हैं, और यही जाते हैं इसके अंदर। फिर आपने इसकी मैरिनेशन में नमक, काली मिर्च का पाउडर डालना है, और आपने विनेगर ऐड करना है, सोया सॉस ऐड करनी है, चिली सॉस आपने ऐड करनी है, अदरक लहसुन का आपने इसके अंदर पेस्ट ऐड करना है। बेसिकली जो है ना मैरिनेशन वाली सारी ही चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड इन कर देनी है, और इसको मैरिनेट करके आपने तकरीबन 30 मिनट्स तो ज़रूर रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक घंटा भी इसको रख सकते हैं। सिर्फ मिर्च का पाउडर भी आपने इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि जो वैसे है अल्फ्रेडो पास्ता तो वाइट सॉस पास्ता होता है, तो उसके अंदर इतने मसाले वगैरह नहीं जाते। तो जो चिकन है वो हल्का स्पाइसी हो तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। अच्छा, मेरे ना हाथ के ऊपर साइड पर ना छोटी वाली फिंगर पर ना ज़ख़म हुआ था, तो मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर की ना लग रहा था। अच्छा, वेजिटेबल्स में हमने यहाँ पर बंद गोभी, कैरेट्स और कैप्सिकम काट ली थी, और अब मैं सॉस बना रही हूँ। तो बटर ऑयल 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल वो हीट करके उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। मैंने चॉप्ड गार्लिक ऐड नहीं किया, मैंने पेस्ट ऐड किया, उसको थोड़ा सा पकाया, और 2 कप बड़े वाले 300 ml वाले 2 कप्स जो हैं वो मैंने मिल्क के ऐड कर दिए थे। वो भी मुझे लगा कि वो कम है, आप 3 कप्स ऐड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, काली मिर्च का पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स और चीज़ के 2 स्लाइसेस ऐड कर दिए, ठीक है। नाउ कम्स द टाइम ऑफ द ग्रिल, ग्रिल का टाइम है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल पैन को गर्म करके तो ये ऐड कर देना है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ये आपने देखा कितना एस्थेटिक लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर आपने इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल कर लेना है, और जो है चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए तो तब तक आपने इसको ग्रिल करना है। अच्छा, अब ये ग्रिल हो जाएगा तो जो इसका मसाला बचा हुआ है वो आपने गिराना नहीं है, वो आपने जो है ना उसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो हमारी वेजेस है ना वो भी हमने ग्रिल ही करनी है। तो जब हमने वो ग्रिल करनी है तो उस टाइम के ऊपर जो है ना वो जो मसाला बच गया था इसका, वो ऑयल और वो मसाला जो चिकन से हमारा बचा था वो हमने ऐड कर देना। ये मेरी सॉस रेडी हो गई थी, मुझे पास्ता के हिसाब से जो है ना ये सॉस कम लग रही थी। आप जो है ना, मैंने इसको बाद में पतला थोड़ा सा कर लिया था, लेकिन आपने 3 कप्स ही मिल्क के लेने हैं, ठीक है, और चीज़ के आप 3 से 4 स्लाइसेस लीजिएगा। अच्छा, तो ये रेडी हो गया था, इसको फिर मैंने असेंबल कर लिया, चिकन भी था, वेजेस भी थी, सॉस वाला पास्ता भी था, तो ये रेडी हो गया था। ये बहुत टेस्टी, बहुत यमिलिशियस रेसिपी बनती है। आप अपने घरों में इस रेसिपी को ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि हाउ इट टर्न आउट टू बी इन योर होम्स। और अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।